और अहम खबर है क्रिकेट से जुड़ी, अहम खबर है बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। बाबर आजम के दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है। क्वींस टाउन में नेट सेशन के दौरान गेंद बाबर आजम के अंगूठे पर जा लगी। बाबर आजम कम से कम 12 रोज तक नेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आगाह कीजिएगा जाहिद इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, शायके ने क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गई है। आज क्वींस टाउन में नेट सेशन में थ्रो डाउन के दौरान एक गेंद बाबर आजम के दाएं हाथ से अंगूठे पर लगी, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल में जाया गया। क्रिकेट हॉस्पिटल में कराए गए एक्सरे में तशखीस हुई है कि बाबर आजम के दाएं हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है। बाबर आजम कम से कम 12 घंटे देखेंगे, वो इस दौरान अपनी फिजिकल ट्रेनिंग जारी रखेंगे। इस दौरान कौमी क्रिकेट टीम का मेडिकल पैनल जो है वो बाबर आजम की इंजरी का मुसलसल जायजा लेगा। बताते चले कि इससे केवल शादाब जो है वो भी जख्मी है, तहम पाकिस्तान टीम जो है उसकी मुश्किल में मजीद इजाफा हुआ है। आपको पता है कोरोना टाइम के दौरान भी ठीक है। जाहिद फारूक मलिक इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।